हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो? सुनाओ। अच्छा, तो आज का व्लॉग है कि इसके लिए हमने क्या करना था? आज आना है पाकिस्तान की तरह, नहीं आखिर मलते हुए आ रहे हैं। आ, अम्मी ने भेजा, काम करने आया हूँ, जिंदगी बनानी है यहाँ। हाँ भाई, हम तो खड़े हुए हैं, धूप लगवा रहे हैं। कैसे हो तुम लोग? सही हो? ठीक हो? खैरियत से? तो धूप लगवा रहे हैं, सर्दी बहुत है, 5 सेंटीग्रेड है मैनचेस्टर में, तो उसके साथ साथ धूप इंजॉय करें। अभी थोड़ी सी है बस, चली जाएगी देखने, फिर बादल आ जाएंगे। एनीवे, मौजू पे आते हैं। मौजू ये है कि आज हमने बार्बरिंग जॉब के हवाले से व्लॉग बनाना है। तो कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, जब अगर कमाते हैं तो खाते भी हैं, और तो उसके साथ साथ रेट, कस्टमर से कितने रेट लेते हैं, सब कुछ आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी ब्लॉग दुकान की तरफ, और उससे पहले आपको बताता चलूँ, शशके देख रहे हो भाई को? शशके देख रहे हो? तो इसी वीडियो में आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी लगा दूंगा भाई। शशके शशके, पैसा माल खर्च रहा हूँ, माल अपने पे, माल माल, खाओ पियो मरो, दैट्स इट। तो माल फुल खर्च हो रहा है। ये बाय किए थे हमने जेडी स्पोर्ट से, जॉर्डन एयर, अब ये नाम पूरा नहीं पता मुझे, बस अच्छे लग रहे थे, मैं ले लिए 124 पाउंड के। क्या बात है, पूरा पूरा मनवा रहे हैं। इधर रहो, खाओ पियो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, मरो जाओ ख़त्म। जैसे दुकान पे, अभी दुकान को हमने खोला वाला है, तो मैंने कहा पहले वीडियो बना लूँ एक, तो फिर उसके साथ कोई आगे कोई फुसम फुसाई करके ना, फिर कोई आगे मामलात करते हैं। अभी भूख लग रही है, पानी वानी पी, डिहाइड्रेट हुआ हूँ, डिहाइड्रेट हुआ तुम्हारा भाई डी हो। चलते हैं बार्बरिंग की तरफ, अपने दुकान की तरफ। तो वहाँ पे भी जाके साफ भी करनी होगी, रात का जो गंद होगा वो भी। क्या हो गया लाइट को? हिल रही थी हल्की सी। ले जी, तो दुकान तो बहुत ज्यादा गंदी हुई हुई है। बाल बाल बिखरे पड़े हैं सारे, करते हैं कुछ इसका भी हल करते हैं, अभी सफाई करें। तो इसके साथ साथ आपने सफाई वगैरह तो देख ली होगी दुकान की, जो हम सफाइयाँ करते हैं। तो रेट वेट की बात करता चलूँ यार, रेट वेट तो है, ये रेट लिस्ट लगी हुई है। तो रेट लिस्ट ये है कि स्किन फेट जो होती है बिल्कुल ज़ीरो, खोपड़ी फेट उसको हम कहते हैं, 10 पाउंड।
12 pounds लेते हैं हम, इस दुकान में भी 10 pounds है क्योंकि ये न्यू है। हेयर कट और बियर्ड, हेयर कट होता है नॉर्मल हेयर कटिंग नंबर वन, नंबर टू उसके तकरीबन हम, एंड बियर्ड ट्रिम के उसके हम लेते हैं तकरीबन 15 pounds, 8 pounds हेयर कट के, 7 pounds बियर्ड के। स्किन फेड और बियर्ड के हम 18 pounds लेते हैं, और कहाँ गया बियर्ड ट्रिम एंड शेप अप 10 pounds, हॉट टॉवल वेट शेव 10 pounds, 12 pounds रेट है हम 10 लेते हैं। हेयर कलर आपका है तो 5 pounds, हमारा है तो 10 pounds। फेशियल फुल ट्रीटमेंट फेस ट्रीटमेंट के साथ 25 pounds, जस्ट ओनली मसाज एंड क्रीमिंग 15 pounds, खली वली बेहतरीन। फेस मास्क हॉट वैक्स 5 pounds, दैट्स इट। इज आवर कस्टमर इज जस्ट लुकिंग एट सेकंड, इज आवर कस्टमर एंड ही इज लुकिंग एट जस्ट ओनली हिज हेयर्स, आई एम जस्ट मेकिंग द व्लॉग। Really? Yeah. Maybe you come to a YouTube and go viral. तो जो वेज होती है, वेज का यहाँ क्या हिसाब होता है? अब जैसा कि ये अब अपनी शॉप है, पूरा अपना कंट्रोल है, खुदा की कसम पूरा पूरा कंट्रोल है शॉप पे। तो मेरा तो कोई नहीं कि मैं वीक के कितने कमाता हूँ, वो तो अपनी जेब में जाता है भाई। चलो वो मैं नहीं बताऊंगा मैं कितने कमाता हूँ, मैं वेज की बात करूंगा। मैंने वेज की बात की है, थंबनेल में मैंने वेज लिखा है, अपनी नहीं बात की। तो वेज यार इसकी होती है यार, मिनिमम वेज होती है, पर आवर तो नहीं होता हमारा, पर डे होता है। डे स्टार्ट होता है 10 से 6, तो उसमें 70 भी देते हैं, लंदन जाओ तो आपको 80 भी मिल जाते हैं। ये अच्छी वेज है, यानी कि गुड है। तो ये तो हो गई वेज की बात, इतनी वेज देते हैं लोग नॉर्मली आपको बार्बरिंग में, इतनी वेज आपको नॉर्मली मिल जाती है। और रही बात टैक्स की, तो इसमें आप पे करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, साल में एंड पे जाके देना होता है, देखते काम करते रहो, माल जमा करते रहो, जब देने की बारी आती है फट जाती है तो वो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा देते हैं, कुछ होते हैं कम देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है आपकी। आपको बेनिफिट चाहिए यानी कि लोन चाहिए, घर चाहिए, तो आप ज़्यादा देंगे, वट एवर, वो एक अलग स्टोरी है, वो बात की स्टोरी है, बाद में बताऊँगा। तो इसमें यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में टैक्स देना होता है, वो आपको एनुअली देना होता है। वेज की बात हो गई, अब आता है दूसरा वे होता है 50-50 या 60-40। 60-40 होता है कि दिन के आप अगर 100 कमाते हैं, 100 में से आपने उनको देने होते हैं मान लो कुछ 40 pounds, 60 pounds आपकी जेब में होते हैं, आपने सिर्फ काम करना दिन का और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। काम किया घर जाओ, बिल बिजली सामान सारा मालिक लाएगा, क्योंकि आप स्किल दे रहे हो, आप प्योरिटी के। फोन मर गया पुलिस वाले। अच्छा तो ये सीन है, तो 60 और 40 होता है। और कुछ तीसरा वे आता है कि लोग दे देते हैं लाइक ऑन पे दे देते हैं, ऑन मतलब ठेका, तो वो इधर ऑन कहते हैं, ठेके पे दे देते हैं कि हमें वीक के तुम 100 दे दो, 150 दे दो, बाकी जो होंगे तुम्हारे होंगे, वो या मुकद्दर या नसीब वाली, तो आप दे दो 150 pounds, 200 pounds। वैसे नॉर्मली 150 pounds रेट है वीक के, आपने 150 pounds देने होते हैं, वो आपके जेब में से दो, आपने फिर ऑन पे आपने सिर्फ मालिक को 150 pounds देने होते हैं, किराया बिजली सामान सारा आपकी पल्ले होता है। तो कुछ जगह पे ऑन अच्छा होता है, कुछ जगह पे वेज अच्छी होती है, और कुछ जगह पे 50-50 अच्छा होता है। तो ये बात है, रेट वेट हर जगह के मुख्तलिफ होते हैं। अब जैसे लंदन जाओ तो स्किन फेड आपको 18 pounds में पड़ेगी, 8 pounds का फ़र्क। बियर्ड आपको 12 pounds में पड़ेगी, तकरीबन 4 pounds का फ़र्क। हेयर कट आपको तकरीबन पड़ जाएगा नॉर्मल हेयर से 12 pounds का, तकरीबन हमारे से 4 pounds का फ़र्क है हमें। बाकी फेशियल वगैरह, हेयर कर्लिंग वगैरह, वो अलग एक साइकी है, वो सारा एक अलग सीन है। तो और सबसे ज़्यादा ये सवाल मुझसे ये पूछा जाता है अक्सर लोग फ़ोन करके, ये ना बार्बर्स का बार्बर कौन है, बार्बर्स का नाइयों का नाई कौन है। यार ये भी बात है, दोस्त होते हैं यार दोस्त हमारे, हम उनसे कटवा लेते हैं। अक्सर सवाल करते हैं कि लोग आप अपने बाल क्यों नहीं काटते, खुद क्यों नहीं काटते। यार अबे जब इतने बंदे हैं तुम्हारे जानने वाले, तो क्यों उंगल करने की ज़रूरत है, क्यों पंगा डालने की ज़रूरत है। सुकून से जाओ किसी के पास जाके बैठे करवा लो, बात ख़त्म, दैट्स इट। तो ना उसने पैसे लेने, ना कुछ करना, इंजॉयमेंट अलग हो जाएगी, बातचीत अलग हो जाएगी। जाओ कटाओ बाल, आ जाओ टाइमिंग वगैरह, टाइमिंग वही है, आपने टाइमिंग पे आना है। पाकिस्तान की तरह नहीं, आखिर मलते हुए आ रहे हैं, आम्मी ने भेजा काम करने आया हूँ, ज़िंदगी बनानी है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे टाइम से दुकान खोलनी है, टाइम से बंद करनी है, ठीक है। ये नहीं कि करना, बस ज़िंदगी बनाने आया हूँ, ज़िंदगी ज़िंदगी बन जाएगी।
आराम से बनेगी, सुकून से बनेगी, तो इतना है। और एक पैगाम पाकिस्तानियों के लिए जो सोचते हैं कि पत्तों पे उगते हैं यहाँ पैसे, पत्तों पे उगते हैं, खुदा की कसम ये देख लो सामने दरख्त, एक ये एक वो दरख्त है, वो दरख्त है, नज़र आया कहीं? तो यहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। और ये नहीं होता कि आप यूं यूं अमीर हो जाएं, करो मेहनत, अल्लाह किसी की मेहनत रहेगा नहीं जाने देता, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप भी तरक्की करोगे तो हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन मेहनत यहाँ पे ये है कि आपकी मेहनत का आपको सिला पूरा मिलता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। तो क्या होता पाकिस्तान में कहीं जगह मिलता हो, बट आई डोंट नो, मैंने जहाँ जहाँ काम किया मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे मिला है। पाकिस्तान की मट्टी, तू इन बच्चों को नहीं पाल सकी जब ये परदेसी हुए, जो मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया। चलो जी, इसी के साथ साथ मुझे अब इजाज़त दो, अब कोई कस्टमर आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो खली वाली, खली वाली ये उसका डायलॉग है, मुझे समझा नहीं पा रहा उसका डायलॉग है, जुनेद अकरम का, मैं अपनी वीडियो में दे रहा हूँ जुनेद अकरम का शॉर्ट आउट, तो वो बहुत वायरल हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, होपफुली यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ अपने को नहीं सिखाना, हाँ चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।